स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन, जो कि मोस्ट ऑफली 2 से 3% चिल्ड्रंस में होती है और 3-4 टोटल केसेस और ओनली माइल्ड टाइप या 5% आर हैविंग सीवियर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू ए मोस्ट सीवियर जनरल लैक ऑफ कॉन्जनेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इट इज़ नाउ एज कॉन्जनेटिव डेवलपमेंटल डिले, यानी डेवलपमेंट डिले के कारण भी कंडीशन डेवलप होती है, जिसके नाम से इसको जाना जाता है। अब लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटली चैलेंज, ए टर्म मेंटली हैंडीकैप इज नाउ यूज ऑफ कंडक्शन मेंटली रिटार्डेशन। एट लीस्ट 2 to 3 इंडियन पॉपुलेशन आर मेंटली हैंडीकैप्ड इन एनी फॉर्म। मेंटल हैंडीकैप इज ए सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इन एक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिटिंग कॉन्करेंटली एंड डिफिसिट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। नेक्स्ट दैन इंक्लूड लर्निंग डिसेबिलिटी, पोअर मेचोरेशन एंड सोशल माल एडजस्टमेंट इन कॉम्बिनेशन। कॉज और एटियोलॉजी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, पहला है पेरिनेटल फैक्टर्स, बर्थ एस्पेक्शिया, प्रोलॉन्ग एंड डिफिकल्ट बर्थ, प्री मेच्योरिटी, कनेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंटल डिले, रिजल्टिंग इन हेड इंजुरी। जेनेटिक फैक्टर्स में जेनेटिक मेचोरेशन, जेनेटिक इनकम्प्लीटेंस बिटवीन पेरेंट्स, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। देन प्लेसेंटल डिसफंक्शंस, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, कोड प्रोलैप्स, न्यूट्रिशन ग्रोथ रिटार्डेशन। पोस्टनेटल फैक्टर्स, सीएनएस इन्फेक्शंस, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, मीजल्स, एक्सीडेंट्स, आयोडीन डिफिशेंसी, सीवियर पीईएम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, पॉवर्टी, ब्रोकन फैमिली, फैकल्टी पेरेंटिंग, चाइल्ड एब्यूज एंड नेग्लेक्टिंग, पेरेंटल साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल डिप्रिवेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इन द माइल्डली रिटार्डेड कैटेगरी। देयर आईक्यू स्केल रेंज ऑफ 51 to 70 एंड दे कैन ऑफ्टन रिकॉर्ड एकेडमिक स्किल्स अबाउट द 6th ग्रेड लेवल। दे कैन बिकम फेयरली सेल्फ सफिशियंट इन सम केसेस, लाइव इंडिपेंडेंटली विद कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट है मोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, About 10% of mentally retarded population is considered moderately retarded. Moderately retarded persons have IQ score ranking of 36 to 50. They can carry out work of self-care task with moderate supervision. They typically acquired communication skills childhood. They are able to live and function successfully within a community such as supervised environment as group homes. थर्ड है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, अबाउट 3 to 4 द मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इज सीवियरली रिटार्डेड। सीवियरली रिटार्डेड पर्सन आईक्यू स्कोर इज 20 to 35। दे मे बी मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स, सम कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनी सीवियर रिटार्डेड इंडिविजुअल आर एबल टू लाइव इन ए ग्रुप होम। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ओनली 1-2% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इज क्लासीफाई एज प्रोफाउंडली रिटार्डेड। Profoundly retarded individual have IQ score is under 20. They may be able to develop basic self-care and communication skills with appropriate support and training. Their retardation is often caused by occupying neurological disorder. Profoundly retarded people need to high level and structure and supervision. Clinical sign and symptom. In infancy, mein kya hota hai? The child manifests poor feeding, weak, uncoordinated sucking, leading of poor weight gain, delayed to decrease visual alertness and auditory repose, reduced spontaneous activity, delayed head and trunk control, hypotoning, spastic muscles, stone, a poor mother-child interactions. In toddler mein kya hota hai? The presentation in delayed speech and language disabilities, delayed motor and stone, standing and walking, failure of achieving independence like self-feeding, dressing, toilet training, short attention span and distractively, clumsiness, hyperactivity, poor memory, poor concentration, emotional instability, sleep problems, impressive low frustration tolerance, convergence, muscular skeletal defect, vision and hearing defect, psychiatric illness. Abhi emotional problems, cretinism, mucopolysaccharidosis, neurodegenerative disorder. ये सभी बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिस कारण से डेवलप होती है। डायग्नोस्टिक यूनिट्स में क्या करते हैं, हम डिटेल हिस्ट्री जो भी है डेवलपमेंट पीरियड की वो कलेक्ट करते हैं कि कहाँ जो इन्फेंसी है, एडल्टहुड है, इन्फेंसी एडल्टहुड में कौन कौन सी ग्रोथ पे कहाँ कहाँ ग्रोथ किया है बच्चा या नहीं किया है। दूसरा फैमिली हिस्ट्री करते हैं, इसमें एलील हिस्ट्री है, ये अगर बच्चे के
डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान कोई कंडीशन रही हो बीमारी की, या कॉन्शियस मैरिज हुई, या फैमिली हिस्ट्री इन फैमिली है, बर्थ हिस्ट्री में क्या होता है CIV, यानी जो कम्युनिकेशन जो कंप्लेंट्स इन एविडेंस बॉक्स है, यानी जो कंप्लेंट बॉक्स होता है उसमें कोई कंप्लेंट्स, या टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी थी, या लेबर टाइम क्या था, मास्ट मेडिकल हिस्ट्री, IQ टेस्ट, मैनेजमेंट, मल्टी डिस्प्लेसनल टीम होती है इसमें, नर्स, डाइटिशियन, फिजिशियन, सोशल वर्कर, रेस्पिरेटरी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड फिजिकल थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, फार्मासिस्ट, ये सभी मिलके इस जो है इस कंडीशन को मैनेज करते हैं। एडिक्वेट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, डिटेक्ट एसोसिएट प्रॉब्लम्स, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन शुड बी अरेंज्ड। फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स काउंसलिंग रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंडीशन, नर्सरी मैनेजमेंट, देन पेरेंट्स शुड बी एक्सप्लेन इनफॉर्म द डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म केयर ऑफ द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड IQ लेवल एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंस टू गिवन एंड प्रमोशन टू सेल्फ केयरेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट लेते हैं इसमें डेली रूटीन, जो कार्ड्स फॉर्म केस होते हैं, जो वेजिटेबल्स है, या प्रोटेक्ट योर वर्ल्ड गेट वैक्सीनेशन है, जो सभी है इसका यूज करते हैं मैनेजमेंट में। नर्सरी ड्रग थेरेपी शुड बी डिस्कस्ड विद पेरेंट्स, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट नीडेड फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, द चाइल्ड नीड्स लव, affections, appreciations, discipline and minimum criticism for tender loving care from parents and family members. Next, the child may be sent to day care center, a special school vacational center or workshop. The child needs support to develop potentials to the maximum and become independent as possible for self-help. A special education arrangement and available facilities should be discussed with the parents. Then this topic is complete, mental retardations. Thank you everyone.